नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे अपने ओचेस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से बकरी पालन से जुड़ी समस्त जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं, फिर चाहे वह बकरी पालन के शेड से संबंधित हो या बकरी फार्म बनाने से संबंधित हो या बकरी की बीमारी और उनके समाधान से जुड़ी हो। तो बकरी पालन से जुड़ी समस्त जानकारियां हम समय से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी एक और जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है बकरियों का गर्भपात, बकरियों का अवोषण, बच्चों का समय से पहले आना। और यह समस्या हमारे बकरी पालकों के लिए बहुत घातक रूप लेती जा रही है, जो कि जानकारी के अभाव में हो रहा है। हमारे बकरी पालक ये नहीं समझ पाते हैं और ना ही उन्हें पता होता है कि जो बकरी हमारी प्रेग्नेंट है उन्हें हमें उस समय उसे क्या मेडिसिन देनी चाहिए, किस तरह के देसी इलाज करने चाहिए या उसके खाने में किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि एक गाभिन बकरी जो बकरी प्रेग्नेंट होती है उसको हम एक नॉर्मल बकरी से कंपेयर नहीं कर सकते। जो दाना मिश्रण, जो इलाज हम नॉर्मल बकरी का करते हैं वो इलाज हम बकरी प्रेग्नेंट होती है हमारी उसका सेम नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि जब आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो तो उसके अबोशन के जो कारण है गर्भपात के, वो मैं आपको अच्छे से बता सकूं। बकरियों में गर्भपात के कई तरह के कारण है, जैसा कि जब बकरी आपकी प्रेग्नेंट हो तो उसे समय पर अलग ना करना। मतलब कि जैसे कि ये की बाड़ा है, आप देख रहे हैं ये पार्टीशन है, इसमें इन बकरियों के बीच में अगर दो बकरी प्रेग्नेंट है तो हम उन्हें इस बीच में नहीं रख सकते हैं, हमें उन्हें समय से यहाँ से अलग कर देना चाहिए। समय का मतलब कि जब वो 2 महीने क्रॉस कर ले प्रेग्नेंसी के, तो आपको उसे समय से उन बकरियों के बीच से अलग ऐसे बाड़े में, ऐसे पार्टीशन में रखना चाहिए जहां पर उन्हें किसी तरह की कोई चोट पहुंचाने वाला ना हो। मतलब कि अगर वो इन बकरियों के बीच में बकरी रहेगी तो कोई बकरी अगर उसे मार देती है पेट में और उसे अंदरूनी चोट लग जाती है तो वो सबसे बड़ा कारण होता है गर्भपात का, अवोषण का। दूसरा कारण होता है हमारा खानपान। क्या होता है कि जैसे हम जो दाना मिश्रण चला रहे होते हैं सभी बकरे बकरियों के लिए, वही दाना मिश्रण हम उन प्रेग्नेंट बकरियों को भी देते हैं जो बकरियां हमारी गाभिन होती है। कुछ लोग दाना मिश्रण ऐसा बनाते हैं कि उसके अंदर ज्वार भी मिलाते हैं, उसके अंदर बाजरा भी मिलाते हैं, उसके अंदर खल भी मिलाते हैं, कुछ लोग सरसों की खल ज्यादा खिलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बकरी जब प्रेग्नेंट हो तो उसे किसी तरह का कोई ऐसा अनाज ना खिलाएं जिसकी तासीर गर्म हो। उसके बाद ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी जब होती है, बकरी को जब गाभिन होती है तो उस समय भी वो बीमार होती है। ऐसा नहीं है कि बकरी प्रेग्नेंट होती है तो बीमार नहीं होती है। उन 6 महीनों का जो ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, उसमें बकरियां कई बार बीमार होती है। तो वो जब बीमार हो तो ध्यान रखें कि उसे ज्यादातर मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। क्या होता है कि जब बकरी बीमार होती है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं या खुद बकरी पालक इलाज करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि हमें कौन सी मेडिसिन को देना है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि मेडिसिन कम से कम दें, और अगर आप देसी इलाज कर रहे हैं तो देसी इलाज में भी कोई ऐसा इलाज ना करें जिससे कि गर्भपात होने की समस्या हो, जिससे अबोशन हो जाए। जो चीज गर्म हो वो ना दें। उसके बाद हम अगर बात करें कि बकरियों को हमने बाड़े से अलग तो कर दिया समय से, जिससे कि मारने की समस्या खत्म हो जाती है। दूसरा, हमने आपको गर्म तासीर वाला अनाज बताया जो आपको नहीं खिलाना है। तीसरा, मेडिसिन जो आपको बताई। चौथा, कि बकरी जब कमजोर होती है। क्या होता है कि जब हमारी बकरी कोई कमजोर होती है, वो क्रॉस हो जाती है, तो उस समय उसके अंदर पूरी तरह से पोषक तत्व ना मिलने की वजह से, प्रोटीन नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे को समय से पहले जन्म दे देती है और वो बच नहीं पाते हैं, जिससे कि हम बकरी पालकों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अबोशन वाली जो समस्या है उसके जो मेन कारण है वो मैंने आपको आज बताया। इन्हीं कारणों की वजह से सबसे ज्यादा बकरियों के बच्चे अबोर्ट होते हैं, सबसे ज्यादा बकरियों के बच्चे मरते हैं। तो ध्यान रखें इस बात का कि आप बकरी को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ध्यान दें। इसके बाद कई लोग बताते हैं और मैं भी बताता हूं कि हमें 4th महीने में, जब बकरी की प्रेगनेंसी का 4th महीना चल रहा हो, तो आपको उसकी डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। अगर आपने उसकी 2 महीने पहले डिवर्मिंग नहीं की है, तो अगर आपने उसकी डिवर्मिंग 3rd महीने में की है तो 4th में करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने डिवर्मिंग नहीं की है तो आपको 4th महीने में डिवर्मिंग करनी चाहिए, जिससे कि पेट में जो वॉर्म्स, जो कीड़े होते हैं, वो पूरी तरह से मर जाए और जो पोषक तत्व बच्चे को मिलना चाहिए वो मिले। तो जब बकरी प्रेग्नेंट हो तो इस बात का ध्यान रखें कि हम डिवर्मिंग जिस दवा से कर रहे हैं वो दवा प्रेग्नेंसी में सेफ होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में हमें डिवर्मिंग किस दवा से करनी चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट बकरी की डिवर्मिंग कैसे करें, जो कि पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की सावधानियां हैं
जो कि आपको अपनी प्रेग्नेंट बकरी के समय ध्यान में रखनी होती है, जिससे कि आपकी बकरी का बच्चा समय से पहले ना आए, जिससे आपको नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि आप भी जानते हैं बकरी पालन में बच्चे ही कमाई का साधन होते हैं, तो उन्हें संभाल कर रखें और बकरियों की केयर पूरी तरीके से करें, उन्हें पूरा समय मॉनिटर करें जो बकरी हमारी प्रेग्नेंट है। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।